हेलो दोस्तों, चैनल पर सब्सक्राइबर कम है लेकिन वीडियो में बहुत ही दम है। दोस्तों इस वीडियो में हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट्स, यानी कि जिसे हम जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स बोलते हैं, उसको हम फुल एनालाइज करेंगे कि इसके कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं और कौन कौन से हिडन चार्जेस देने होते हैं। दोस्तों आप लोगों ने यूट्यूब पर काफ़ी सारे वीडियोस इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में देखा होगा, लेकिन ऐसा वीडियोस आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में हम सारे के सारे हिडन चार्जेस और बेनिफिट्स को डिस्कस करेंगे, ना कि ओनली फीचर्स को। दोस्तों ये पूरा वीडियो मैंने बहुत ही स्टडी करके बनाया है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रेट ऑफ इंटरेस्ट को समझ लेते हैं कि आखिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने कस्टमर को कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। तो यहाँ पर दोस्तों सेविंग्स अकाउंट में आपको 2.70% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफर करता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप 1 ईयर से लेकर 2 ईयर्स के बीच में अपना FD करवाते हैं, तो उस केस में आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 6.88% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। इसके अलावा अगर आप सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में आते हैं, तो उस केस में आपको 7.30% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। ये 2023 का अपडेट है दोस्तों, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ज़्यादा होता रहता है, तो जिसके वजह से जब ये ज़्यादा होगा तो उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, अभी तो फिलहाल इतना ही है। तो दोस्तों मैं लाइव प्रूफ पर यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट इसके। अब दोस्तों हम डिस्कस करते हैं इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट्स के फीचर्स को। तो दोस्तों ये अकाउंट पूरी तरह से डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स होता है, यहाँ पर ये अकाउंट्स पूरी तरह से पेपरलेस होता है। यहाँ पर आप अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड के माध्यम से अपना अकाउंट घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन के जरिए ओपन कर सकते हैं, लेकिन आपके आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, यानी कि रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों का ये सवाल होगा कि सर ये बताइए कि हमारे पास ऑलरेडी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सेविंग्स अकाउंट्स है, तो क्या मैं इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट्स को ओपन कर सकता हूँ? तो यहाँ पर आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर जो न्यू कस्टमर होंगे वही इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट्स को ऑनलाइन घर बैठे ओपन कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको ब्रांच ट्रांसफर करने का भी फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर आप अपने इंटरनेट बैंकिंग के जरिए आप अपना ब्रांच एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर आपको चेकबुक पासबुक प्रोवाइड नहीं किया जाता है, यहाँ पर ओनली आपको रुपए डेबिट कार्ड प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों ये जो डेबिट कार्ड होता है वो योनो एप्लीकेशन में जा करके आप चेंज भी कर सकते हैं, दूसरा भी डेबिट कार्ड ले सकते हैं। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि आखिर डेबिट कार्ड पर चार्ज कितना देना होता है? तो यहाँ पर दोस्तों आपको 125 रुपीज एनुअली देना होता है डेबिट कार्ड चार्ज। इसके अलावा दोस्तों अगर आप कार्ड को रिप्लेसमेंट करवाते हो, तो उस केस में आपको 300 रुपीज प्लस GST देना होता है। दोस्तों यहाँ पर डेबिट कार्ड पर आपको 125 रुपीज प्लस GST भी देना होता है। दोस्तों इसके अलावा दोस्तों अगर आप अपग्रेड करवाते हो, तो उस केस में आपको 100 रुपीज चार्ज देना होता है। दोस्तों इसके अलावा अगर आप चेकबुक लेते हो, यहाँ पर अगर आप रिक्वेस्ट करते हो, तो उस केस में आपको चेकबुक प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन उस केस में आपको चार्ज देना होता है। दोस्तों ये जो चार्ज है वो जितना रेगुलर सेविंग्स अकाउंट में आपको चार्ज देना पड़ेगा, वही चार्जेस आपको इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट में देना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स पर एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों का सवाल होता है कि सर ये बताइए कि इस सेविंग्स अकाउंट में लिमिटेशंस कितना होता है? तो यहाँ पर आपको कोई भी लिमिटेशंस नहीं मिलता है। दोस्तों आप जितना चाहे उतना यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं, रख सकते हैं, लेकिन एक बार में अगर आप आउट स्टेशन पर कहीं पर हो और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डिपॉजिट करने जा रहे हो, तो उस केस में आप एक महीने में ओनली 3 बार डिपॉजिट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप CDM मशीन से डिपॉजिट करते हो, वो भी बिना डेबिट कार्ड के, तो उस केस में आपको 25 रुपीज तुरंत ही कट कर लिया जाता है, तुरंत ही 25 रुपीज़ चार्ज देना होता है। इसके अलावा अगर आप डेबिट कार्ड के जरिए CDM मशीन से डिपॉजिट करते हो, कैश डिपॉजिट मशीन से, तो उस केस में आपको 1 भी रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों इसके अलावा अगर हम डेबिट कार्ड के लिमिट की बात करूँ, तो यहाँ पर फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल में आपको 5 ट्रांजेक्शन पर मंथ फ्री दिया जाता है। यहाँ पर मेट्रो सिटी में आपको 3 ट्रांजेक्शन और नॉन मेट्रो सिटी में आपको 5 ट्रांजेक्शन पर मंथ फ्री दिया जाता है। और दोस्तों इसके अलावा अब यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ये भी सवाल करेंगे कि सर ये बताइए एवरेज मंथली बैलेंस कितना रहेगा? तो ये
जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स है, तो यहाँ पर आपको एक भी रुपये मेंटेन नहीं करना होता है। यहाँ तक कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के काफ़ी सारे अकाउंट्स हैं जहाँ पर आपको एक रुपये भी मेंटेन करना नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप ब्रांच में जाते हैं तो वहाँ पर आपको डिपॉजिट करना होता है, तभी आपका अकाउंट ओपन होता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में आप लोगों को नॉलेज हो गया होगा। तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल इंडियन टेक को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।